इनलैंड फिशिंग वो फिशिंग होती है जो कि आप रिवर्स, डैम्स, लेक्स और फार्म में करो। मतलब आसान अल्फाजों में मरीन फिशिंग खारे पानी की मछली थी, इनलैंड फिशिंग कौन सी मछली है जो कि आप मीठे पानी की मछली होती है। फिश फार्म की लोकेशन आज तक पेपर में नहीं आई लेकिन आ सकती है। फिश फार्म पेपर में अगर पूछ लिया जाए कि फिश फार्म किस लोकेशन पर बनाना चाहिए तो आप बोलोगे फ्लैट लैंड पर बनाना चाहिए ताकि मशीनरी क्या हो सके, यूज हो सके। आप बोलोगे चीप लैंड होना चाहिए ताकि हम उसको क्या कर सके, यूज कर सके, और हमें पछतावा ना हो कि हम किसी महंगी जगह पे फिश फार्म खरीद लिया और नुकसान पे नुकसान हो रहा है। सॉइल लोमी डैम्प होनी चाहिए, गीली मट्टी होनी चाहिए ताकि आप उसको इजीली डिग आउट कर सको। फिश फार्म बनाने के लिए बेसिकली फिश फार्म होते क्या है, फिश फार्म बेसिकली होते हैं आसान अल्फाजों में स्विमिंग पूल है। क्या है? स्विमिंग पूल, और उसमें मछली है। तो स्विमिंग पूल को जब हम खोद रहे हैं, जमीन के अंदर खोद रहे हैं, तो उसमें सॉइल कैसी होनी चाहिए, गीली, ताकि हम उसको इजिली डिग आउट कर लें। गवर्नमेंट इंसेंटिव होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो और आस पास में मार्केट क्या हो, ह्यूज मार्केट हो, ताकि हम अपनी फिशेस को इजिली क्या कर सकें, सेल आउट कर सकें। पेपर में फिश फार्म के फीचर्स और करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर पेपर में एक वर्ड यूज होगा करेक्टरिस्टिक्स, तो दोनों का मतलब क्या है, सेम। फिश फार्म होता कैसे, इट इज अ रेक्टेंगुलर मैनमेड पॉन्ड। पेपर में डेफिनेशन आएगी कि फिश फार्म क्या होता है, तो व्हाट इज अ फिश फार्म, फिश फार्म इज अ रेक्टेंगुलर मैनमेड पॉन्ड, सही है एक डेफिनेशन। फीचर क्या है, सीमेंटेड बेस होगी, मतलब जो उसकी बेस होगी, जैसे ये समन, ये आपके पास फिश फार्म है, इसकी जो नीचे वाली जगह है वो सीमेंटेड होगी। क्यों सीमेंटेड होगी, ताकि पानी के अंदर लीकेज ना हो, लीकेज ना हो। एजेस सॉलिडिफाइड मड से बने होंगे, मतलब ये जो एजेस हैं ये सॉलिडिफाइड मड से है, ताकि कंटेमिनेशन ना हो। मतलब ये देखो, अगर मैं सूखी मट्टी रखूंगा वो पानी के अंदर मिक्स होगी, पानी गंदा हो जाएगा, मछलियों के लिए मसला है। मैं क्या कर रहा हूँ, सॉलिडिफाइड मड, गीली मट्टी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि वो पानी के अंदर मिक्स ना हो और कंटेमिनेशन ना हो, पानी गंदा ना हो। ट्रीज प्लांट करूंगा आसपास के अंदर ताकि उनको ऑक्सीजन मिलती रहे, वाटर ठंडा रहे और पानी इवेपोरेट ना हो। और डिफरेंट पॉन्ड्स के अंदर अकॉर्डिंग टू एजेस एंड स्पेशीज रखूंगा। जैसे ही आपके पास एक फिश पॉन्ड है, और ये आपके पास क्या है कि रोड और साइड पे, मैं आपको दिखा देता हूँ फिश पॉन्ड किस तरीके का होता है, ये ताकि आप लोग बाद में रोना धोना ना करें कि सर ये तो पेपर में क्या आ गया। ये देखें, ये आपके पास बीच में एक रास्ता बना हुआ है फिश, सही है। यहाँ पे आपको एक फिश पॉन्ड वन है और ये दूसरा फिश पॉन्ड टू आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको दरख्त वरख्त दिख रहे हैं, तो ये आपके पास बड़ी जमीन होती है, सही है, फिश फार्म की। अब हमारे पास ये देखो, ये तो मैं सस्ती सी तस्वीर है, तो फिश पॉन्ड क्या है, रोड बना हुआ है, फिश पॉन्ड एक साइड पे एक है, एक साइड पर दरख्त बना हुआ है। पेपर में सवाल आएगा हाउ फिशेस आर रियर्ड ऑन फिश फार्म, मतलब ये कि हम फिशेस को कैसे पालते हैं ऑन फिश फार्म। तो बेबी फिशेस को हम कहाँ से लाते हैं, हैचरीज से। कहाँ से लाते हैं, हैचरीज। सर हैचरीज का मतलब क्या होता है बेटा, फिशेस अंडे देती है, वो अंडे हैच होते हैं कहाँ पे, हैचरीज के अंदर, जहाँ पे अंडे निकलते हैं। बच्चे हो गए, बच्चों को हमने किसमें डाल दिया, पानी के अंदर, जो है उनको फीड करके, बड़े हो गए थोड़ा सा पानी में डाला, फीड करेंगे उनको, खाना देंगे, क्योंकि ये समंदर वाली फिशिंग नहीं है, ये हम खुद फिश को पाल रहे तो भूखा नहीं रख सकते, हमें खुद खाना देना, फीड करेंगे। वाटर लेवल क्या करेंगे, चेक करेंगे, यहाँ पे कैच नहीं है, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक के वाटर लेवल सही तो नहीं है, वाटर इवेपोरेट तो नहीं हो रहा, कम तो नहीं हो रहा, वो चेक करेंगे। वाटर चेंज करेंगे, पानी गंदा होने, क्योंकि जहां पर एक जगह पे पानी पड़ा हुआ होता है ना, पानी आहिस्ता आहिस्ता गंदा होना शुरू होता है, तो वाटर चेंज करेंगे। फिर पॉन्ड्स क्या करेंगे, अकॉर्ड चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू एज एंड स्पेशी, अकॉर्डिंग टू एज एंड स्पेशी क्या करेंगे, चेंज करेंगे। फिर आपके पास क्या है कि चेकअप्स करेंगे, क्या करेंगे, चेकअप्स। सर चेकअप क्या करेंगे कि एक फिश में किसी में प्रॉब्लम आ रही है, फिर क्योंकि जानवरों में यह मसला होता है कि फॉरन वो बीमारियां फैलाते हैं, सही है, तो ये चीज होगी। फिर ये है कि डिस इन्फेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स उनको देंगे दवाइयों के साथ, खाने के साथ, ताकि वो डिजीजेस उनके अंदर ना आए और दूसरी मछलियों को ना लगे। और जैसे ही फिश की एज बढ़ेगी हम उसको क्या कर देंगे, मार्केट के अंदर सेल कर देंगे, क्या कर देंगे, मार्केट के अंदर जाकर सेल कर देंगे। तो ये चीज आपको होपफुली समझ आ गई होगी, मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि हाउ फिशेस आर रियर्ड ऑन फिश फार्म, समझ आया या फिर समझ नहीं आया, जल्दी जल्दी। अब है व्हाई पीपल, मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन मरीन फिशिंग, गलत सवाल है। व्हाई मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन इनलैंड फिशिंग, कौन सी फिशिंग, इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग में लोग क्यों ज्यादा होते हैं बेटा, मरीन फिशिंग के अंदर हमें किसी पॉन्ड को नहीं संभालना, ना खाना देना है, ना कुछ करना है, डायरेक्ट जाके मछली पकड़ के आ जानी, तो मरीन में कोई बंदे की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। इसमें पॉन्ड की मेंटेनेंस, एक बंदा खाना देखने के लिए, एक बंदा हैचरीज को मैनेज करने के लिए, एक बंदा कैचिंग, हर चीज के लिए, एक टास्क के लिए एक रिस्पेक्टिव बंदा है। लेकिन जो मरीन फिशिंग है उसमें समंदर में जाना है, मछली पकड़ के आ जानी है, तो उसमें एम्प्लॉयमेंट कम है, इसमें एम्प्लॉयड क्या है, ज्यादा है, लोग ज्यादा एम्प्लॉयड है। तो ये आपके पास सवाल पेपर में आ सकता है। टाइप्स ऑफ इनलैंड फिश कैच, मनासीर, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास, सिल्वर। तो सिल्वर आपके पास सुरमई होती है, ग्रास है,
तो आपने याद रखना है मनासीर, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास एंड सिल्वर। तो ये जल्दी से रिवाइज कर लें और फिर मुझे ये बात बताएं कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ इनलैंड फिश कैच और इनलैंड फिशिंग यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जल्दी जल्दी बताएं कि आप लोगों को यहाँ तक की कहानी समझ आई या मेरे कोई कंफ्यूजन है। जल्दी जल्दी याद हो जाए फिर बताइएगा कि हमें ये याद हो गया मनासीर, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास एंड सिल्वर। जल्दी जल्दी मनासीर, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास एंड सिल्वर। तो जल्दी जल्दी बताएं कि याद हुआ नहीं हुआ। याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो उसको याद करें देन बताएं। ओके बेटा, अब हमारे पास है प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री, सही है? और प्रॉब्लम्स ऑफ फिशिंग इंडस्ट्री और ये सारी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। पहले आज हम लोग इसके पास पेपर्स देख लेते हैं लैंड फिशिंग के किस तरीके से आएंगे। सबसे पहला सवाल आएगा नेम अ स्पेशीज ऑफ फिश रेड ऑन फिश फार्म। आपको पता है मनासीर, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास, सिल्वर। गिव टू यूजेस फॉर द प्रोडक्ट्स ऑफ फिश फार्म। तो फिश फार्म की क्या प्रोडक्ट्स हो सकती हैं? फिश ऑयल, न्यूट्रिशियस हेल्दी फूड, ये सारी चीजें। डिस्क्राइब द मेथड्स यूज्ड टू रियर, हाउ फिशेस आर रियर्ड ऑन फिश फार्म। हैचरीज, फिश की चेक किया जाएगा, वाटर लेवल चेक किया जा रहा है, फीडिंग की जा रही है, वाटर गंदा तो नहीं हो रहा, वो चेक किया जा रहा है, सारी चीजें चेक की जा रही है, डिसइंफेक्टेंट्स दिए जा रहे हैं ऑन डेथ, वो सारी। तो आपने 3 से 4 पॉइंट्स लिखते हैं। फिर आपके पास है ये सवाल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, बी पार्ट। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, स्टडी फिगर 4 विच शोज द मेन डिस्ट्रिक्ट्स फॉर फिश फार्मिंग इन पाकिस्तान। फिश फार्मिंग आपको बताई हुई है कहाँ कहाँ पर की हुई है। तो आप अगर उसको देखो तो आपके पास क्या है कि सिंध के अंदर है, फिर उसमें ईस्टर्न पंजाब के अंदर है, फिर जो है वो केपीके के अंदर है। तो आपने क्या बताया, डिस्क्राइब द डिस्ट्रीब्यूशन। आपको मैंने बताया था सबसे पहले बताना होता है वाइड स्प्रेड है या नहीं, तो आपने बताया इट इज नॉट वाइड स्प्रेड। सर वाइड स्प्रेड के अंदर आपके पास क्या है, क्या आपने बताया वाइड स्प्रेड नहीं है। दूसरी चीज आपने क्या बताई, आपने बताई कि भाई सबसे ज्यादा कहाँ पर है, सबसे ज्यादा है केपीके के अंदर। फिर आपने बताया इट इज ऑल्सो फाउंड इन सिंध एंड ऑल्सो फाउंड इन पंजाब, आपने वो बता दिया। तो इस तरीके से आपने मैप को देखते हुए डिस्ट्रीब्यूशन बतानी, और कोई चीज नहीं बतानी। डिस्क्राइब हाउ फिशेस आर रियर्ड ऑन अ फिश फार्म। किस तरीके से फिशेस रियर्ड होती हैं, किस तरीके से पाला जाता है, आपको पता है, आपने पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। बेबी को हैचरी से बेबी फिशेस लाए, फीड करा, वाटर लेवल चेक करा, वाटर का गंदगी तो नहीं है, फिर डिसइनफेक्टेंट्स दिए, उसके बाद क्या है कि उनको चेंज कर दे रहा अकॉर्डिंग टू एज एंड स्पेशीज, ये सारी चीजें। क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी फोटोग्राफी इंसर्ट, स्टडी स्टेट 3 वेज इन विच द ओनर हैज इंप्रूव द साइट फॉर फिश फार्मिंग। तो सबसे पहले किस तरीके से उसने इंप्रूवमेंट करी, सबसे पहले आप बताएंगे उसने सॉलिडिफाइड क्या रखी है, मड रखी है, या फिर आप ये कह सकते हैं उसने और एजेस जो है वो सॉलिडिफाइड रखे हैं ताकि कंटेमिनेशन ना हो। उसने ट्रीज उगाए ताकि क्या हो कि पानी इवेपरेट ना हो, पानी ठंडा रहे। उसने बीच में एक पैसेज बनाया जहाँ पे गाड़ी आ सके ताकि अगर फिशेस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना तो इजिली कर सके। और उसने डिफरेंट पॉन्ड्स बनाए, उससे क्या है कि वो डिफरेंट एजेस और डिफरेंट स्पेशीज के वो रख सकता है। तो आपने तारीफें बता देनी है फार्म की। नेम टू स्पेशीज ऑफ फिश ऑन रेड ऑन फिश फार्म, मनासी, पल्ला, थल्ला, ट्राउट, ग्रास, सिल्वर में से कोई भी लिख देना। डिस्क्राइब द फिशेस मेथड यूज ऑन फिश फार्म, तो वही फिशिंग मेथड, हाउ फिशेस आर रेयर्ड, तो वो आपने क्या कर देना है, छाप देना। तो मुझे ये बात बताएं कि आप, अच्छा ये भी एक रहता है, कंपेयर द चेंजेस शोन इन द ग्राफ। तो इसके अंदर चेंजेस किस तरीके से कंपेयर करनी है, आपने बताना है कि ओवरऑल बोथ आर इंक्रीजिंग, सही है? फिर आपने क्या बताया, आपने ये चीज बताई कि ज्यादा कौन इंक्रीज हो रहा है, मरीन फिशिंग, और इनलैंड थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। आपने बताया दोनों क्या हो रहे हैं, फ्लक्चुएट हो रहे हैं। एक्सप्लेन वाई मोर पीपल आर एम्प्लॉयड इन इनलैंड फिशीज एंड मरीन फिशिंग। तो इनलैंड फिशीज में क्यों ज्यादा है वो आपने बताया।